माय चैनल मैं सोमाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फेशियल हेयर रिमूवल रूटीन। एक्चुअली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने का, पर हर किसी का अपना अपना खुद का प्रोसेस होता है। पर मैं पूरे लॉकडाउन तो क्या मैं कभी भी पार्लर जाके अपना फेशियल हेयर रिमूव नहीं किया, मैं हमेशा घर में ही करती हूँ। तो क्या क्या यूज करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये जो फेशियल हेयर रिमूवल जो रेजर है, ये आप में से बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे एंड यूज भी करते होंगे, पर मैं जब भी ये यूज करती हूँ ना तभी मुझे लगता है कि मेरा गाल या फिर कुछ कट हो जाएगा। पता नहीं, हर कोई हर एक चीज में कंफर्टेबल नहीं होते, ये मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। और कोई सोल्यूशन मैं यूज नहीं करती, और वैक्सीन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती। जो मैं हाथ पैर के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ वैक्स, पर वो मैं अपने फेस के लिए यूज नहीं करती क्योंकि रैशेज आ जाते हैं। तो मैं यूज करती हूँ विट का ये ट्रिमर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं यूज करती हूँ, पर ये यूज करके आपको दिखाऊ उससे पहले भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके साथ मैंने बहुत सारे टेस्टिंग किए, जैसे कि मैं अपने फेस पे फेशियल ऑयल यूज करके फिर इस ट्रिमर को यूज किया। तो यूज करने से क्या हुआ कि आधे से ज्यादा फेशियल हेयर, जैसे कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं तो आधे से ज्यादा फेशियल हेयर मुझे दिखाई नहीं दी क्योंकि वो स्किन के साथ एकदम स्टिक हो गए थे, तो अच्छे से मैं हेयर रिमूव नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने पाउडर के साथ ट्राई की, क्योंकि मैं जब भी पार्लर जाती हूँ थ्रेडिंग करने, अपने आईब्रो थ्रेडिंग करने, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग पाउडर यूज करते हैं, तो मैंने सोचा तो पाउडर शायद ठीक रहेगा। तो पाउडर हल्के से यूज करके मैं इसे यूज किया, तब भी इतना व्हाइट हो गया मेरा फेस कि तब भी जो फेशियल हेयर है वो मुझे दिखाई नहीं दी। तो इसलिए तब भी मैं सक्सेसफुल नहीं रही मेरा कंप्लीट फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। तो इसलिए मैं ऐसे नॉर्मल फेस वॉश से मैं अपना फेस क्लीन करके अच्छे से ड्राई किया, उसके बाद मैं ये जो ट्रिमर है ये यूज कर रही हूँ। और एक चीज आपको बता दूं कि ये ट्रिमर ऐसे नॉर्मल फेस में मैं यूज कर रही हूँ, ये कहीं स्किन पे असर ना दिख जाए, तो ये स्किन पे बिल्कुल भी असर नहीं दिखता। इवन ये स्किन के साथ बहुत ही कम टच करते हैं तो स्किन पे कोई भी असर नहीं करता, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है एक्चुअली मेरा लॉजिक कि मैं फेस में कुछ यूज नहीं करती, यूज ना करके मैं ये ट्रिमर यूज करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ यूज करती हूँ। मेरा कुछ प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। मेरा ये जो अपर लिप का जो हेयर है वो मैं कल आईब्रोज और अपर लिप ऑलरेडी कर दिया है, पर मेरे गाल पे अभी भी है। तो चीक्स का जो हेयर है वो मैं आपको रिमूव करके बता रही हूँ। पहले अपने स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा, स्ट्रेच करने से हेयर एकदम उसके जो रूट है उससे रिमूव होगा। देख सकते हैं हेयर किस तरह से रिमूव हो रहा है। अब एक टिश्यू से अपने फेस को ये जो हेयर है इसे निकाल दीजिए ताकि दिखाई दे कि कितना हेयर रिमूव हुआ और कितना है अभी। एंड गाइस, ये जो ट्रिमर है ट्रिमर के ये जो थोड़ा सा चौड़ा जो ब्लेड है इसे आप अपने फेशियल मतलब पूरे फेस का हेयर रिमूव कीजिए। दूसरे साइड में एक छोटा सा ब्लेड है इससे आप अपने आईब्रोज क्लीन करना। सो गाइस, फेशियल हेयर रिमूव होने के बाद मैं एक ऑयल मसाज करती हूँ अपने फेस को।
तो ये ऑयल मसाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो फेशियल जो हेयर को रिमूव किया है ना, तो उस टाइम में स्किन पे थोड़ा सा तो स्ट्रेस आता है, तो इसे रिलीज करने के लिए और फेस को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए हमें एक मसाज करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक फेशियल ऑयल सबसे पहले फेस में यूज करूंगी। आपके पास जो भी ऑयल फेशियल ऑयल आप यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो, इसमें स्किन बहुत अच्छा रहता है। और आप अपने अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी अपना फेस मसाज कर सकते हो, पर मैं फेशियल रोलर यूज करती हूँ, क्योंकि फेशियल रोलर के बहुत सारे गुण हैं, जो कि इसके ऊपर एक बाद में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी क्यों फेशियल रोलर यूज करना सही रहता है, वो वीडियो में आप जरूर देख लेना। तो ये है फेशियल रोलर, और इसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे रोल करते हुए मसाज करूंगी। आप स्किन को जिस तरह से स्ट्रेच करना चाहते हो बिल्कुल उसी तरह से फाइन लाइन या रिंकल्स के ठीक ऑपोजिट साइड से अपने फेस को मसाज करना है। ये है बिग हेड, और ये जो स्मॉल हेड है इससे अपने आईलिड पे मसाज कीजिए। सो गाइस, कुछ टाइम तक इसे मसाज करने के बाद आपका स्किन जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि एक ही टाइम में मतलब आपको रिमूव नहीं करना पड़ता, तो आपका हेयर ग्रोथ जितना है उस हिसाब से आप यूज कीजिए। तो ये जो ट्रिमर है ये मैं तो बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इजिली ये रिमूव हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हैंडी है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वरना और एक ऑप्शन तो मैंने आपको दिखाई दी फेशियल, ये बहुत ही मतलब कम प्राइस में आपका आ जाएगा, एक पैकेट में शायद 3 रहता है। ये सारी चीजें मैंने अमेजन से लिए है, तो फेशियल ऑयल, फिर रोलर, फिर ये जो रेजर वगैरह, ट्रिमर, सब कुछ मैंने अमेजन से लिए है। तो अगर आपको ये सारे जो भी मैंने आज की वीडियो में यूज किया कुछ भी अगर चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक से आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये है एक्चुअली मेरा फेशियल हेयर रिमूवल का रूटीन जो मैं करती हूँ। मुझे 7 to 8 डेज में एक बार करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी आ जाता है, और स्पेशली मेरा जो अपर लिप है ये तो बहुत ही जल्दी आ जाता है। गल का फिर भी चलो ठीक है, पर अपर लिप पे अगर आ जाते तो बहुत ही और दिखता है, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से घर में भी आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि इस मतलब फेशियल हेयर रिमूवल के लिए मुझे नहीं लगता पार्लर जाने की जरूरत है हमें, क्योंकि पार्लर में जो थ्रेडिंग करते हैं ना उससे रैशेस आ जाते हैं, उसके बाद आइस क्यूब्स घिसना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी है, मैंने भी किया है, मतलब हर एक चीज मैंने ट्राई किया है, जो मुझे ठीक लगा वही मैं रेगुलर के लाइफ में यूज करती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे चल के इस तरह से और भी कई सारे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।